हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराना व्लॉग्स। तो गाइस, वापस आ चुके हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग में हम कुछ मजेदार करने वाले हैं, कुछ आपको मजेदार दिखाने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में, वैसे तो आपको पता लग ही गया होगा थंबनेल देख के, आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आईफोन 14 की पूरी अनबॉक्सिंग, इसके हिडन फीचर। इसके कुछ ऐसे फीचर भी मुझे पता है जो शायद आप लोगों को ना ही पता हो। मुझे लगता है 90% लोगों को ये फीचर नहीं पता, तो आज मैं वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, एक भी फीचर रह गया तो गाइस तुम्हारी नॉलेज में कमी रह सकती है। तो शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। सबसे पहले देख लो हमारी फिच, पानी थोड़ा गंदा हो चुका है, पर एक मिनट बैक कैमरे से दिखाता हूं मैं। गाइज, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग जो है वो टेबल पे रख के, इस पे रिंग लाइट पे स्टैंड पे लगा के करूं या फिर हाथों से ही कर दूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। बाकी यार मैं अकेला हूं तो उस पे लगा के ना थोड़ी सेटअप बैठ नहीं रहा, या तो मेरा फेस कट रहा है या फिर फोन कट जाता है। वाइड एंगल में इतनी मतलब क्लियर आ रही नहीं है, क्योंकि मैं रूम में बना रहा हूं, यहां पे लाइटिंग थोड़ी सी कम है और मेरी रिंग लाइट तो आप देखी है आपने, थोड़ी कमजोर भी है। देख सकते हो आप हमारी जुगाड़ू रिंग लाइट थोड़ी कमजोर है, तो बाकी ठीक ठाक है यार रोशनी इसकी। और इसकी अनबॉक्सिंग अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अभी देखो। और उसमें मैंने दिखाया भी है जो मैं पहले अपनी वीडियो शूट करता था रोस्टिंग वाली, वो कैसे करता था, तो जाके अभी चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर चैनल खोल लो। ज़्यादा वीडियो भी मैंने डाली नहीं है तो आपको मिल जाएगी नीचे। और गाइज थोड़ा सपोर्ट करो और ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो गाइज सबसे पहले है ये बॉक्स, सेम 13 की तरह ही एप्पल का साइन यहाँ पे जो लिखा होता है जो भी, और इधर कुछ ये टैग वगैरह। गाइज ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, इसलिए मैं फ़ोन को तो ऑलरेडी खोल चुका हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है यार चेक करना तो ज़रूरी होता है। तो चलो शुरू करते हैं, सबसे पहले वो बॉक्स को ओपन करते हैं। तो गाइज ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। गाइज मैंने स्टैंड पे लगा ही लिया क्योंकि मेरे सेटिंग में नहीं बैठ रहा था एक हाथ से। तो गाइस सबसे पहले इसका ओपन करते हैं बॉक्स। ये अरे लो भाई, एप्पल वालों ने इस बार फोन भी नहीं दिया और ना ही डाटा केबल दिया है। गाइस वो सब हमें बाहर से लेना पड़ेगा, शाबाश। सिर्फ 80,000 में हमें ये बॉक्स दिया है खाली। और बॉक्स के साथ सबसे पहले ये देख लेते हैं क्या है इसमें। है सिम एक्सेप्टर और भाई ये जो भी लिखा होता है सब फोनों में आती है। और भाई तीन आते थे पहले, पता नहीं चार, अब तो एक ही दिन लगे यार एप्पल का लोगो। भाई कितनी कंजूसी करोगे, कितना पैसा छापोगे। चलो वेल, तो गाइस ये तो था मजाक की बातें, क्योंकि फोन हमने ऑलरेडी निकाल लिया था और आपको शायद दिख भी रहा होगा। तो गाइस ये रहा हमारा आईफोन 14, देख सकते हो आप, ये है आईफोन 14। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी क्लोज से लुक दिखा देता हूँ। गाइज इसे पहले साइड में रखता हूँ, इसे साइड में रखता हूँ। इसमें बस ये चीजें हैं, डाटा केबल भी मैंने निकाल ली थी, डाटा केबल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी शायद आपको पहले दिख रही होगी, यही वही पहले वाले की तरह, ये जो भी टाइप है मुझे नहीं पता कौन सा टाइप है, सी टाइप है शायद, नहीं सी, हाँ सी टाइप है एक साइड से और एक साइड से एप्पल वाली। इनका मुझे नाम तो पता नहीं है, जो भी अपर ये डाटा केबल आई है ये साथ में नहीं आया, ये हमने खुद चलाया है सेफ्टी के लिए। तो गाइस इसे भी रख देते हैं हम फिलहाल साइड में, क्योंकि इसका तो काम हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको एप्पल के दिखाता हूँ क्लोज शॉट की, फोन की लुक कैसी है। बाकी आप पहले दूर से देख लो, ये एप्पल की लुक ये है। गाइस ये देखने में आपको ब्लैक कलर लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में ये ब्लैक कलर नहीं है, ये है डार्क नेवी ब्लू कलर, मतलब नाइट ब्लैक बोल देते हैं कि थोड़ा थोड़ा ब्लूइश सा होता है, पर देखने में ये ब्लैक ही लगता है ऑलमोस्ट। अब तो लेमिनेशन वगैरह भी हो चुकी है इस पे, मतलब वो जो भी लगता है पीछे इसके ग्लास टाइप लगता है जो लेमिनेट का, तो वो हो चुका है, इसलिए प्रॉपर ब्लैक ही लग रहा है। इसमें नीचे दिए गए हैं सेम पहले की तरह माइक स्पीकर और ये चार्जिंग का पॉइंट, और ये बटन तो इनका, इनकी पहचान ही ये बटन है लोगों के बाद, यही बटन है साइलेंट वाला, इनकी पहचान वॉल्यूम अप डाउन, ये सिम लगाने का। पहले शायद राइट में आता था, अब लेफ्ट में आने लगा। और इधर लॉक वाला, ऊपर कुछ भी नहीं है,
गाइस फर्क आप देख सकते हो 13 और 14 में, मतलब आपको ऐसे पता नहीं लगेगा, देखने में आपको सेम कुछ भी फर्क नहीं है, पीछे से सेम 13 की तरह है। सिर्फ क्या फर्क दिया है इन्होंने कैमरे का, इसके कैमरे का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, और इसके जो ये मतलब ये जो है कैमरे का ये थोड़ा बड़ा किया है, और पहले से फिनिशिंग भी अच्छी कर दिया। वैसे 13 के लिए सेम ही थी पर अच्छी है काफी। तो गाइस फ्रंट में आपको इसका दिखा देता हूँ, एक मिनट। तो गाइस ये है इसके फ्रंट से सेम, ये तो पहले वाले की तरह ही जैसे आता था। इसमें एप्स वगैरह हम डाउनलोड कर रखी है, उसे आप इग्नोर करना। तो गाइस इसमें डायनेमिक आइलैंड नहीं है, जो भी भाई सोचते थे कि 14 में डायनेमिक आइलैंड है, इसमें डायनेमिक आइलैंड नहीं है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसकी फीचरिंग की, इसके अंदर क्या क्या नए फीचर दिए गए हैं। इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी तेज कर दी गई है और स्मूथ चल रहा है पहले वाले से, ये सेम पहले वाले की तरह इसका कैमरा वैमरा। इसके अंदर के फीचर थोड़े बहुत इसमें ज्यादा दिए गए हैं इसके, और इसमें एक मिनट, फर्क कुछ भी नहीं है, 13 और 14 ऑलमोस्ट सेम है, और वेट भी इसका हल्का सा ज्यादा है उससे 13 से। तो गाइज आप एक बार कमेंट करके बता देना 13 और 14 की कंपैरिजन वीडियो क्या बनानी चाहिए मुझे, बाकी आप लोग कमेंट करोगे तो बनाऊंगा वरना नहीं। तो गाइज अब बात कर लेते हिडन फीचर्स की, और जैसे कि मैंने नॉर्मली तो आपको बता दिया, ये है 128 GB और इसमें 1 TB तक सारे आते हैं, ऑलमोस्ट 128 से नीचे नहीं आता। और इसमें और क्या क्या है भाई नया, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही है। इसके हिडन फीचर आपको बताते हैं जो इसमें नए आए हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको वर्जन की बात कर लेता हूं मैं, इसमें वर्जन है 16.3 iOS वर्जन 16.3, और गाइस बायोनिक चिप जो है इसके अंदर 15 ही है, 16 नहीं है, 16 खाली प्रो और प्रो मैक्स में आई है, उसे नीचे वाले मॉडल्स में बायोनिक चिप 15 ही है। चलो अब मैं एक बार फोन उतार लेता हूँ, उसके क्लोज शॉट दिखाता हूँ आपको, और उसके बाद फिर मैं आपको इसके हिडन फीचर बताता हूँ क्या है क्या। गाइस सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको इसके अंदर, सबसे पहले जो सबसे बड़ा फीचर आया है इसके कैमरे के अंदर, कैमरा भाई ये है कैमरा, इसके अंदर आया है सबसे बड़ा फीचर जो है सेटिंग आपको ओपन करनी है, उसके बाद आपको ओपन करना है प्रिजर्व सेटिंग, और इसके बाद ये रहा इसमें एक्शन मोड। तो गाइस ये इसका सबसे न्यू फीचर है, जो आपने देखा होगा एप्पल लॉन्चिंग में दिखाया गया था कि अगर हम बाय चांस कोई वीडियो बना रहे हैं तो फोन हमारा ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो वीडियो भी ऐसे प्रॉपर वाइब्रेट आती है, पर इसके अंदर एक्शन मोड ऑन करने के बाद अगर बाय चांस हमारा हाथ थोड़ा बहुत हिल भी रहा है तो भी वीडियो प्रॉपर नॉर्मल आएगी बहुत अच्छी क्वालिटी में। और इसका नाइट मोड भी दिया गया है, ये शायद 13 में था या नहीं मुझे पता नहीं। और इसके बाद इसके फीचर आए हैं, ये एक आया है फोटो ग्राफिक स्टाइल, ये भी न्यू फीचर है इसका, शायद ये तो कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा ये फीचर, अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो लेने के लिए जैसे लाइक कैमरा सेम DSLR कैमरा की तरह इसमें फ़ोटो आती है, हम नॉर्मली फ़ोटो ले सकते हैं। आप देख सकते हो ये इसी फ़ोन से खींची हुई फ़ोटो है, देख सकते हो। तो गाइज इसके बाद हम और फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो गाइज एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों का ना iPhone 13 भी या फिर 14 को स्विच ऑफ कैसे किया जाए, क्योंकि अगर हम लॉक बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो इसका सीरी ऑन हो जाता है। स्विच ऑफ करने का इसमें मतलब पहले वाले से क्या था, पहले जो फ़ोन में होता था लॉक प्रेस करो इस बटन को और फ़ोन स्विच ऑफ, लेकिन अब ऐसा नहीं है गाइस। तो गाइस अब जो फ़ोन आए हैं 13 और 14 इनके अंदर जो स्विच ऑफ का बटन है वो इससे नहीं है, वह मैं आपको बताता हूँ कि स्विच ऑफ का बटन कहाँ है। वैसे तो मुझे नहीं पता कि स्विच ऑफ का बटन इसमें है कहाँ, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ इसे स्विच ऑफ करने का। आप लॉक बटन दबाओ और वॉल्यूम बटन दबाओ, इन दोनों को साथ में दबाओगे तो ये ऊपर आ गया स्विच ऑफ का बटन और ये इमरजेंसी कॉल का। तो गाइज ये दो ये फीचर आपको पता ही है, ये अदर कंट्रीज में आया, इंडिया में भी मतलब इंडिया में सेटेलाइट इतने वर्किंग नहीं है तो इसीलिए इस फीचर का कोई काम नहीं है। तो गाइज बस मेन फीचर तो यही थे जो मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी बस थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस में फ़र्क जो आया है वो तो चलाने में हर फोन में निकालते हैं। और गाइज एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि आईफोन 13
और 14 के कंपैरिजन में आईफोन 14 का कैमरा थोड़ा इम्प्रूव किया गया है। वैसे 12 मेगापिक्सल है पर इम्प्रूवमेंट काफ़ी की गई है। और बाकी यार नया फ़ोन लॉन्च करते ये जो अपडेट करते हैं उसके बाद जो पुराने फ़ोन होते हैं उनके आप ही जो क्वालिटी है लो हो जाती है कैमरे की, थोड़ी बहुत थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ता रहता है जितना पुराना होता रहता है। तो गाइज हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना। गाइज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि 13 और 14 का कंपैरिजन देखना चाहोगे। और गाइज एक बार मैं आपको शॉट दिखा देता हूँ। ये जो मैं वीडियो ले रहा हूँ ये है आईफोन 13 के नॉर्मल कैमरा से, और इसके बाद मैं लगाने वाला हूँ आईफोन 14 के नॉर्मल कैमरा की वीडियो। तो गाइज ये जो वीडियो ले रहा हूँ ये है आईफोन 14 का कैमरा नॉर्मल। यार इसमें जूम का मुझे ही लग रहा है या फिर आए क्योंकि ये ना जूम करने में मतलब फोकस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है 14, पता नहीं आया ही है, पता नहीं क्या सीन है। जो भी है आप मुझे कमेंट करके बताना क्या इनमें फ़र्क लग रहा है। और गाइज बहुत ही जल्दी आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है जिसके बाद आप लोग मुझे पक्का प्यार करने लगोगे। वैसे जो लोग करते हैं उनके लिए शुक्र है, जो नहीं करते भाई वो भी क्या करो, मेरी वीडियोज़ को प्यार क्या करो, शेयर क्या करो ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लेके आऊँ। बहुत ही तगड़ी चीज़, बहुत बड़ा धमाका आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन ऑन रखना उस धमाके के लिए। मेरा हाथ दर्द हो गया, बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग करी है इसीलिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।